हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेक वी सिंपल में। गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई चिकन, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से बन के तैयार होता है। इसमें ना तो ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, ना ही आपको तड़का देने की और ना ही इसको फ्राई करने की जरूरत है। इसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने घर में बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बन के ये चिकन तैयार होगा। तो चलिए मैं आपको क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ मैंने आधा किलो चिकन लिया हुआ है। इसको मैंने अच्छी तरीके से गर्म पानी में धो के रखा है, साफ कर लिया है। आप भी गर्म पानी में अच्छे तरीके से धो लीजिए। और देखिए गाइस, यहाँ मैंने आधा कप सरसों का तेल लिया हुआ है। आप जो भी ब्रांड का तेल लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो आप सरसों का तेल में ही चिकन बनाएं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और गाइस, यहाँ मैंने दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और यहाँ मैंने 14-15 कलियां लहसुन की ली थी और एक पिंच अदरक का लिया था। इसको मैंने सिलबट्टे पे पीसा हुआ है दरदरा। और दो यहाँ मैंने तेज पत्ते ली है, 3 लाल मिर्च ली थी खड़ी जिसको मैंने तोड़ लिया है। गाइस यहाँ पे 1 चम्मच मैंने शुद्ध घी लिया हुआ है। ये गरम मसाला है खड़ा हुआ, इसको मैंने सिलबट्टे पे पीसा हुआ है। इसमें मैंने 4-5 काली मिर्च, 2 लौंग, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, इसको मैंने पीस के तैयार कर लिया है। ये गरम मसाला है और जो मिक्स मसाला होता है गरम वो है ये। और ये चिकन मसाला लिया हुआ है 1 चम्मच, ये भी 1 चम्मच लिया है और गरम मसाला मैंने 1 चम्मच लिया है। गाइस ये चिकन में इंग्रेडिएंट्स हो गए डालने के लिए। अब हम पिसे मसाले हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो उससे पहले हम कढ़ाई में इन सारी सामग्री को मिला लेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हम सारे चिकन के जो पीस है वो डाल देंगे। अब हम इसमें जो ऑयल है वो डाल देंगे। गाइस यदि आप तेल ज्यादा खाते हैं तो आधा कप पूरा डाल दीजिए, अगर आप कम खाते हैं तो तेल को कम भी कर सकते हैं। मैंने तेल अभी पूरा नहीं लिया हुआ है। अब हम इसमें अदरक सारे इसमें ऐसे मिक्स कर देंगे, सबको ऐसे डाल देते हैं। जो मसाला गरम मसाला मैंने खड़ा पीसा हुआ है उसको डालेंगे अभी हम। जो पिसे हुए हैं गरम मसाले उनको हम नहीं डालेंगे, जो मैंने घर पे पीसा हुआ है उसको मैंने डाल दिया है। गाइस ये तो मैंने प्याज अदरक लहसुन सब डाल दिया है। 1.5 चम्मच के बराबर हमने इसमें नमक ऐड किया है। गाइस नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिए। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लिया, 2.5 चम्मच के लगभग हमने धनिया पाउडर डाल दिया, 1 भर के चम्मच हमने लाल पिसी हुई मिर्च डाल दी। गाइस ये हमने सारे मसाले डाल दिए और हम इसको सारों को मिक्स कर लेंगे। गाइस यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए गाइस, ये हमने सारे चिकन को मिक्स कर दिया है और हम चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए गाइस, मैंने गैस को ऑन कर लिया है और हमने गैस पे कढ़ाई को रख दिया है। अब गाइस अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको चला चला के चिकन को हमें पकाना है। देखिए गाइस, हम इसको चला चला के पकाएंगे। गाइस हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे नीचे चिपके ना। गाइस इसको हम इस चिकन को हम जब तक पकाएंगे जब तक ये प्याज दिख रही है ना अलग अलग, ये सारी इसमें मसाले में गल ना जाए, तब तो हम चिकन को पानी डाल डाल के चला चला के पकाते रहेंगे, तभी हमारा मसाला भी अच्छे तरीके से भूनेगा। आप देख सकते हैं कि हमारे इसमें जो प्याज हल्की हल्की गल रही है, हमें पूरी तरीके से प्याज को गलाना है। और प्याज गल जाएगी तो समझिए हमारा मसाला भी भून गया। गाइस कमेंट करके बताइए कि किस किस को ये तरीका अच्छा लगा चिकन बनाने का और कितनी जल्दी आप बना के तैयार कर सकते हैं और कैसा आपका ये चिकन बन के तैयार हुआ जरूर बताइएगा। देखिए हमारे इसमें मसाले ने तेल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, चला दें।
क्योंकि गाइस बीच में चलाते रहना भी जरूरी है, नहीं तो कहीं पे मसाला पक जाएगा कहीं पे मसाला नहीं पकेगा। इसे चला चला के ही चिकन को पकाएं जिससे हमारा मसाला परफेक्ट तरीके से पक जाए। गाइस इसमें हल्का सा मैं इसमें कलर ऐड कर दूँ जिससे हमारी सब्जी कलर अच्छा दिखे। मैंने ज़्यादा नहीं किया है, तो देखिए गाइस अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे जिससे चिकन हमारा अच्छी तरीके से पक जाए। देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है, अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं ढक्कन रख के मैंने इसको 5 मिनट के लिए। देखिए गाइस अब हम 5 मिनट हो गए हैं, तो हम इसका ढक्कन उठा के देखते हैं। गाइस चिकन हमारा पक चुका है, अब हम इसमें जो एक चम्मच घी लिया था उसको डाल देंगे, पिसे गरम मसाले रखे थे उनको भी हम डाल देंगे और गैस की फ्लेम कर देते हैं बंद। चिकन हमारा बन के इसको रेडी हो गया है। देखिए गाइस धनिया से हम कर लेते हैं इसको गार्निश। तो देखिए गाइस हमारा चिकन है कढ़ाई चिकन बन के तैयार हो चुका है। तो गाइस आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए बनाइए। आपने ये रेसिपी कितनी जल्दी बना के तैयार की और आपको कितनी टेस्टी लगी? तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।